मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री अपने क्षेत्र पहुंचने लगे हैं। आप सब जानते हैं, काफी इंतजार के बाद आखिरकार बीते गुरुवार शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को खासा तवज्जो दी गई। इस मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का काफ़ी ध्यान रखा गया है। बीजेपी के पुराने नेताओं के सामने सिंधिया समर्थकों की नाक पूरी तरह से ऊंची दिखाई पड़ी। ऐसी परिस्थितियों के बीच में सिंधिया कोटे से मंत्री सुरेश धाकड़ रविवार को शिवपुरी पहुंचते हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत होता है। सुरेश धाकड़, सबसे पहले आपको बता दें, उन 22 विधायकों में से एक हैं जो होली के मौके पर अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे पीछे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। तो ऐसे में उन्हें शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में जगह दी गई। जिले के करैरा में मंत्री सुरेश धाकड़ ने मीडिया से बातचीत की और कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कृष्ण हैं, शिवराज सिंह चौहान अर्जुन। अगर सिंधिया और शिवराज दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। पहली बार मंत्री बनकर क्षेत्र पहुंचे सुरेश धाकड़ के साथ लोग सेल्फी लेने के लिए बेताब दिखे। सुरेश धाकड़ सिंधिया के काफ़ी करीबी हैं। उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इनाम के तौर पर उन्हें मंत्री पद की कुर्सी मिली। आगामी उपचुनाव में यहाँ सुरेश धाकड़ की भी परीक्षा है और उन्हें पूरा यकीन है कि वो एक बार फिर से अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।